गुजरात के 10 सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाले ज़िले। दोस्तों, गुजरात भारत का पश्चिमी राज्य है। यह राज्य काफ़ी खूबसूरत है, जिसकी सीमा पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में महाराष्ट्र, पूर्व में मध्य प्रदेश और उत्तर में राजस्थान से लगती है। आपको बता दें कि गुजरात हमेशा व्यापार गतिविधि का केंद्र रहा है। संस्कृति और धर्म का पालन, स्वतंत्रता संग्राम का केंद्र, महात्मा का घर और एशियाई शहरों का एक निवास स्थान है। गुजरात के पास सब कुछ है। जहाँ पर दोस्तों, गुजरात राज्य का क्षेत्रफल 196,024 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल के आधार पर गुजरात भारत का छठा सबसे बड़ा राज्य आता है। और गुजरात की मौजूदा समय में कुछ अफसर के मुताबिक कुल जनसंख्या 7,26,53,903 है। गुजरात जनसंख्या के आधार पर भारत के 9वें स्थान पर आता है। दोस्तों, गुजरात राज्य में कुल 33 जिले शामिल हैं और गुजरात को द लैंड ऑफ लीजेंड कहा जाता है। गुजरात राज्य की साक्षरता दर 78.3% इतनी है और गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। इस राज्य की अर्थव्यवस्था कृषि, विनिर्माण सेवाओं और पेट्रोलियम उत्पादन पर निर्भर करती है। दोस्तों, गुजराती लोगों का सबसे बड़ा त्यौहार नवरात्रि है। गुजरात के लोगों को गुजराती कहा जाता है और वे गुजराती बोलते हैं। महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसी लोकप्रिय हस्तियाँ गुजरात से ताल्लुक रखती हैं, जो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। इसके अलावा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, तो वह पर उद्योगपति गौतम अदानी और मुकेश अंबानी, ये सब बड़ी हस्तियाँ गुजरात से ही आती हैं। दोस्तों, गुजरात राज्य में हिंदू आबादी 88.57%, मुस्लिम 9.67% और अन्य धर्म की आबादी 1.48% इतनी है। अब दोस्तों, बात करते हैं कुछ वेबसाइट के मुताबिक गुजरात राज्य के सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाले 10 जिलों के बारे में। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे जानकारी वाले वीडियो हम आपके पास सबसे पहले लाते रहे। और दोस्तों, अपने भारत देश में मुस्लिम आबादी कितने प्रतिशत है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बता दें। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नंबर 10, राजकोट जिला। दोस्तों, गुजरात के 10 सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाले 10 जिलों में राजकोट जिले का नाम नंबर 10 के स्थान पर आता है। जहाँ पर राजकोट जिले का कुल क्षेत्रफल 11,203 वर्ग किलोमीटर है। इस जिले में 10 तालुके और 600 गाँव शामिल हैं, जबकि इस जिले की कुल आबादी 19,73,000 इतनी है, जिसमें मुस्लिम आबादी 1,51,600 इतनी है, जो राजकोट जिले का 7.68% आता है। जबकि हिंदू आबादी 17,73,700 इतनी है, जो राजकोट जिले का 90.90% आता है। और अन्य धर्म की आबादी 49,600 इतनी है, जो राजकोट जिले का 2.51% आता है। नंबर 9, सूरत। दोस्तों, गुजरात के सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाले 10 जिलों में सूरत जिले का नाम नंबर 9 के स्थान पर आता है। जहाँ पर सूरत जिले का कुल क्षेत्रफल 4,418 वर्ग किलोमीटर है। जहाँ पर इस जिले में कुल 10 तालुके और 690 गांव शामिल हैं। जहाँ पर सूरत जिले की कुल जनसंख्या 65,20,000 इतनी है, जिसमें मुस्लिम जनसंख्या 7,58,300 इतनी है, जो सूरत जिले का 11.63% आता है। जबकि सूरत जिले की हिंदू आबादी 55,62,200 इतनी है, जो सूरत जिले का 85.31% आता है। जबकि अन्य धर्म की आबादी 2,00,000 इतनी है, जो सूरत जिले का 3.06% आता है। नंबर 8, वडोदरा जिला। दोस्तों, गुजरात के सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाले 10 जिलों में वडोदरा जिले का नाम नंबर 8 के स्थान पर आता है। जहां पर वडोदरा जिले का कुल क्षेत्रफल 7,546 वर्ग किलोमीटर है। इस जिले में कुल 12 तालुके जबकि 1,543 गाँव शामिल हैं। जहाँ पर वडोदरा जिले की कुल जनसंख्या 26,64,000 इतनी है, जिसमें मुस्लिम जनसंख्या 3,03,700 इतनी है, जो वडोदरा जिले का 11.40% आता है। जबकि वडोदरा जिले की हिंदू आबादी 22,89,200 इतनी है, जो वडोदरा जिले का 85.39% आता है। और अन्य धर्म की आबादी 85,600 इतनी है, जो वडोदरा जिले का 3.21% आता है। नंबर 7, आनंद जिला। दोस्तों, गुजरात के 10 सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाले जिलों में आनंद जिले का नाम नंबर 7 के स्थान पर आता है। जहाँ पर आनंद जिले का कुल क्षेत्रफल 3,204 वर्ग किलोमीटर है। इस जिले में कुल 8 तालुके और 347 गांव शामिल हैं। जहां पर आनंद जिले की कुल जनसंख्या 20,92,000 इतनी है, जिसमें मुस्लिम जनसंख्या 5,84,300 इतनी है, जो आनंद जिले का 21.93% आता है। जबकि हिंदू जनसंख्या 19,26,100 इतनी है, जो आनंद जिले का 72.30% आता है। और अन्य धर्मों को मारने वाले लोगों की आबादी 1,53,800 इतनी है, जो आनंद जिले का 5.77% आता है। नंबर 8, खेड़ा जिला। दोस्तों, गुजरात के सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाले 10 जिलों में
खेड़ा जिले का नाम नंबर 6 के स्थान पर आता है, जहाँ पर खेड़ा जिले का कुल क्षेत्रफल 3258 वर्ग किलोमीटर है। इस जिले में 11 तालुके और 474 गाँव शामिल हैं, जहाँ पर खेड़ा जिले की कुल जनसंख्या 26,32,000 इतनी है, जहाँ पर मुस्लिम जनसंख्या 3,02,700 इतनी है, जो खेड़ा जिले का 11.50% आता है, जबकि हिंदू जनसंख्या 22,89,900 इतनी है, जो खेड़ा जिले का 87% आता है, जबकि अन्य धर्मों को मारने वाले लोगों की जनसंख्या 39,500 इतनी है, जो खेड़ा जिले का 1.5% आता है। नंबर 5 जामनगर जिला। दोस्तों, गुजरात के सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाले 10 जिलों में जामनगर जिले का नाम नंबर 5 के स्थान पर आता है, जहाँ पर जामनगर जिले का कुल क्षेत्रफल 14,184 वर्ग किलोमीटर है। इस जिले में 10 तालुके और 697 गाँव शामिल है, जहाँ पर जामनगर जिले की कुल जनसंख्या 24,67,000 इतनी है, जिसमें मुस्लिम जनसंख्या 3,67,400 इतनी है, जो जामनगर जिले का 14.85% आता है, जबकि हिंदू जनसंख्या 20,67,500 इतनी है, जो जामनगर जिले का 83.81% आता है, और अन्य धर्मों को मारने वाले लोगों की जनसंख्या 33,100 इतनी है, जो जामनगर जिले का 1.34% आता है। नंबर 4 बनासकांठा जिला। दोस्तों, गुजरात के सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाले 10 जिलों में बनासकांठा जिले का नाम नंबर 4 के स्थान पर आता है, जहाँ पर बनासकांठा जिले का कुल क्षेत्रफल 12,703 वर्ग किलोमीटर है, जहाँ पर इस जिले में कुल 12 तालुके और 1,249 गाँव शामिल है, जहाँ पर दोस्तों बनासकांठा जिले की कुल जनसंख्या 39,48,000 इतनी है, जिसमें मुस्लिम जनसंख्या 2,70,100 इतनी है, जो बनासकांठा जिले का 6.84% आता है, जबकि हिंदू जनसंख्या 37,56,700 इतनी है, जो बनासकांठा जिले का 92.62% आता है, और अन्य धर्मों को मारने वाले लोगों की जनसंख्या 21,400 इतनी है, जो बनासकांठा जिले का 0.54% आता है। नंबर 3 जूनागढ़ जिला। दोस्तों, गुजरात के सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाले 10 जिलों में जूनागढ़ जिले का नाम नंबर 3 के स्थान पर आता है, जहाँ पर जूनागढ़ जिले का कुल क्षेत्रफल 5,093 वर्ग किलोमीटर है, जहाँ पर इस जिले में 10 तालुके और 1,029 गाँव शामिल है, जहाँ जूनागढ़ जिले की कुल जनसंख्या 18,52,000 इतनी है, जिसमें मुस्लिम जनसंख्या 3,04,900 इतनी है, जो जूनागढ़ जिले का 16.46% आता है, जबकि हिंदू जनसंख्या 15,24,400 इतनी है, जो जूनागढ़ जिले का 82.31% आता है, और अन्य धर्मों को मारने वाले लोगों की आबादी 22,800 इतनी है, जो जूनागढ़ जिले का 1.23% आता है। नंबर 2 भरूच जिला। दोस्तों, गुजरात के सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाले 10 जिलों में भरूच जिले का नाम नंबर 2 के स्थान पर आता है, जहाँ पर भरूच जिले का कुल क्षेत्रफल 6,509 वर्ग किलोमीटर है। इस जिले में 8 तालुके और 653 गाँव शामिल है, जहाँ पर भरूच जिले की कुल जनसंख्या 18,10,000 इतनी है, जिसमें मुस्लिम जनसंख्या 6,81,400 इतनी है, जो भरूच जिले का 37.65% आता है, जबकि हिंदू जनसंख्या 10,94,700 इतनी है, जो भरूच जिले का 60.48% आता है, और अन्य धर्मों को मारने वाले लोगों की जनसंख्या 33,900 इतनी है, जो भरूच जिले का 1.87% आता है। नंबर 1 अहमदाबाद जिला। दोस्तों, गुजरात के सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाले 10 जिलों में अहमदाबाद जिले का नाम नंबर 1 के स्थान पर आता है। दोस्तों, अहमदाबाद जिले का कुल क्षेत्रफल 8,087 वर्ग किलोमीटर है, जहाँ पर इस जिले में 9 तालुके और 506 गाँव शामिल हैं, जहाँ पर अहमदाबाद जिले की कुल जनसंख्या 90,35,000 इतनी है, जिसमें मुस्लिम जनसंख्या 12,20,700 इतनी है, जो अहमदाबाद जिले का 13.51% आता है, जबकि हिंदू जनसंख्या 73,68,900 इतनी है, जो अहमदाबाद जिले का 81.56% आता है, और अन्य धर्मों को मारने वाले लोगों की जनसंख्या 4,45,500 इतनी है, जो अहमदाबाद जिले का 4.93% आता है। तो यहाँ पर दोस्तों, गुजरात राज्य के इन 10 जिलों में सबसे अधिक मुस्लिम आबादी है, और इन 10 जिलों के अलावा गुजरात के अन्य जिलों में भी मुस्लिम आबादी काफ़ी अधिक है, और जनसंख्या का सही अनुमान लगाना संभव नहीं है, क्योंकि जनसंख्या हर दिन घटती और बढ़ती रहती है। तो यहाँ पर दोस्तों, आज हमने आपको इस वीडियो में कुछ वेबसाइट के मुताबिक गुजरात राज्य के सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाले 10 जिलों के बारे में बताया है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर बाजू वाले बेल आइकन की घंटी को भी जरूर दबाएगा, ताकि ऐसी जानकारी वाले वीडियो हम आपके पास सबसे पहले लाते रहे। और दोस्तों, गुजरात के और किन किन जिलों में सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी है,
और भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी है? इन दोनों सवालों का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बता दें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले एक और नए वीडियो में।